अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिजाब का मतलब क्या होता है? हिजाब का मतलब है जिस्म का पर्दा। मैंने अपने इस चैनल पर हिजाब के साथ कई वीडियोस अपलोड किए हैं। यकीन मानिए, इन वीडियोस को आपके साथ शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि हिजाब में हम कैद नहीं। बहुत से गैर मुस्लिम्स का मानना है कि हमारा हिजाब करना एक कैद खाने जैसा है, जिसमें मुस्लिम औरतों को घुटन होती है, जो कि गलत है। और हिजाब के साथ हम सिर्फ घर के काम और बच्चों की परवरिश ही कर सकते हैं। ऐसे लोगों को बताने के लिए ये वीडियोस मैंने बनाई हैं। हम हिजाब के साथ बहुत खुश हैं और बहुत कंफर्टेबल भी। हिजाब में हम बाहर जाकर काम भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और हर तरह के खेल भी खेल सकते हैं। अगर हम यही काम बग़ैर हिजाब के करें तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ होगा, जिसका हमें अल्लाह सुबहाना व तआला को आखिरत में जवाब देना होगा। मैं ये वीडियो आपको समझाने के लिए बना रही हूँ कि हम हिजाब के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और हम हिजाब में हर जायज़ काम को अमल में ला सकते हैं। हिजाब मुस्लिम वुमेंस की पहचान है। हिजाब का मतलब ये नहीं कि हम अपनी जायज़ ख्वाहिशों को मार दें और ना कोई एक्टिविटी करें और घर की चार दीवारी में ख़ुद को कैद कर लें। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बिजनेस वुमेन थी और कई सहाबियात उस ज़माने में काम भी करती थी, पर हिजाब के साथ, पर्दे के साथ। इसीलिए बार बार इस बात पर जोर दूंगी कि हम हिजाब में कैद नहीं, हम मुस्लिम वुमेन की पहचान है हिजाब, अल्हम्दुलिल्लाह।